हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द नेक्स्ट वीडियो ऑफ हिस्ट्री, फोर्थ चैप्टर, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ डिड द फॉरेस्ट एक्ट डिस्ट्रॉयड द लाइफ ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड रेस्ट्रिक्टेड देम टू एक्सेस द फॉरेस्ट एंड हंटिंग एंड गैदरिंग। इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट सेम वॉज हैपनिंग इन जावा। जावा इज़ द आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। जावा इंडोनेशिया का एक आइलैंड है और प्रेजेंट टाइम में इट इज़ अ फेमस आइलैंड एज अ राइस प्रोड्यूसिंग, और प्रेजेंट टाइम पर ये राइस प्रोड्यूसिंग के लिए बहुत फेमस है। बट देयर वॉज अ टाइम व्हेन इट वॉज कवर्ड मोस्टली विथ फॉरेस्ट। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब ये एरिया ऐसा था जो बहुत फॉरेस्ट से डेंस था। In Java, the Dutch started forest management. Villages existed in the fertile plains, and there were also many communities living in the mountains and practicing shifting cultivation. जिस तरीके से इंडिया में ब्रिटिशर्स ने रूल किया, उसी तरीके से जावा was also colonized by Dutch. जावा भी डच के थ्रू colonized था, और जब डच ने वहाँ पर forest management start किया, villages existed in the fertile plains. उस टाइम पर villages जो थे वो fertile plains में बनी हुए थे, and there were also many communities living in the mountains and practicing shifting cultivation. इसके अलावा बहुत सी communities थी जो mountain region में रहती थी, and they were practicing shifting cultivation. So their life were fully depend on forest. The woodcutters of Java. तो ये जो mountain dweller थे, ये जो फॉरेस्ट ड्वेलर थे, जो कम्युनिटीज़ थी जो माउंटेन्स में रहती थी, दे वर स्किल्ड इन फॉरेस्ट कटर। वो फॉरेस्ट को काटने में स्किल्ड थे, और साथ ही साथ दे वर ऑल्सो स्किल्ड इन शिफ्टिंग कल्टिवेशन। तो इस तरीके से जो उनकी लाइफ थी वो पूरी तरीके से फॉरेस्ट पर डिपेंड करती थी, क्योंकि वहीं पर वहाँ वो जो वुड होता था उसे काटते थे, फिर उसका उसे राजाओं के पैलेस बनाते थे, और इस काम में भी वो बहुत स्किल्ड थे। साथ ही साथ वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, तो कह सकते हैं कि उनकी पूरी लाइफ विलेज जो फॉरेस्ट था उस पर डिपेंड करती थी। दे आर एक्सपर्ट इन हार्वेस्टिंग टीक एंड फॉर द किंग्स टू बिल्ड देयर पैलेसेस। व्हेन द डच बिगेन टू गेन कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट इन द 18th सेंचुरी, दे ट्राइड टू मेक द कलांग्स वर्क अंडर देम। उस टाइम पर जावा के जंगलों में एक कम्युनिटी रहती थी जिसका नाम था कलांग्स। तो जब डच ने वहाँ पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करना शुरू किया फॉरेस्ट में, वहाँ के जंगलों में, इन 18th सेंचुरी, उस वक्त उन्होंने कलांग्स पर इतना प्रेशर डाला कि उन्होंने उनको प्रेशराइज़ किया कि वो उनके अंडर में काम करें। इन 1770 द कलांग्स रेजिस्टेड बाय अटैकिंग अ डच फोर्ट एट जोआना। तो 1770 में कलांग्स ने इस काम के लिए रेजिस्ट किया, प्रोटेस्ट किया, और उन्होंने जो डच फोर्ट था जोआना वहाँ पर अटैक किया। बट द अपराइजिंग वॉज सप्रेस्ड। लेकिन अपराइजिंग जो भी प्रोटेस्ट किया गया था उसे दबा दिया गया फ्रॉम द डच। डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में क्या होता है, इज अ सिस्टम ऑफ कटिंग ट्रीज कंट्रोलिंग बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये एक सिस्टम होता है जिसमें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है वो ट्रीज़ के कटिंग पर कंट्रोल बनाए रखता है। अब इस सिस्टम में होता क्या है, इन विच ओल्ड ट्रीज़ आर कट एंड न्यू वंस प्लांटेड। यहाँ पर जो ओल्ड ट्रीज़ होते हैं उसे काट दिया जाता है, और फिर उसकी जगह पर नए ट्रीज़ को प्लांट किया जाता है। और ऐसे ट्रीज़ होते हैं ये जो टिम्बर प्रोवाइड कराते हैं। तो इसी तरीके से जावा में भी जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है डच के थ्रू वो इम्पोज की गई। इन द 19th सेंचुरी डच इनेक्टेड फॉरेस्ट लॉज इन जावा रेस्ट्रिक्टिंग विलेजेस एक्सेस टू फॉरेस्ट। उसी तरीके से साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के अंडर फॉरेस्ट लॉ इनेक्ट किया गया, और जावा के जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे दे वर रेस्ट्रिक्टेड टू एक्सेस द फॉरेस्ट एंड डू देयर जॉब्स। वुड कुड नॉट कुड ओनली बी कट फॉर मेकिंग रिवर बोट्स और कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज। वुड को अब सिर्फ कुछ पर्पसेज के लिए काटा जाता था, जैसे कि बोट्स बनाना और
घरों को बनाना। विलेजर्स वर पनिश्ड फॉर ग्रेजिंग कैटल्स, ट्रांसपोर्टिंग वुड विदाउट अ परमिट और ट्रेवलिंग ऑन फॉरेस्ट रोड्स विद हॉर्स कार्ट्स और कैटल। और उसी तरीके से जैसे इंडिया में पनिश किया जाता था अगर कोई भी फॉरेस्ट एक्ट के इनेक्ट होने के बाद उन रिजर्व फॉरेस्ट में एंटर करता हुआ पकड़ा जाता था तो उन्हें जिस तरीके से पनिश किया जाता था उसी तरीके से जावा में भी यही हुआ। वहाँ पर भी एंटर करने वाले फॉरेस्ट ड्वेलर्स को पनिश किया गया। फर्स्टली द डच इम्पोज्ड रेंट ऑन लैंड बीइंग कल्टिवेटेड इन द फॉरेस्ट एंड देन एग्जम्प्टेड सम विलेजेस फॉर दीज रेंट इफ़ दे वर्क कलेक्टिवली टू प्रोवाइड फ्री लेबर एंड बफेलोज फॉर कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग टिम्बर। सबसे पहले यह हम स्टार्टिंग की बात करें तो डच ने जो कल्टिवेटर्स थे वहाँ पर कल्टिवेशन के बदले उन्हें रेंट देने पर परमिशन दे दी कि अगर वो रेंट देंगे उस जगह का तो वो वहाँ पर कल्टिवेशन कर सकते हैं। लेकिन बाद में उस रेंट को हटा दिया गया लेकिन एक शर्त पर कि अगर वो ड्वेलर्स फॉरेस्ट ड्वेलर्स कलेक्टिवली लेबरिंग करें जंगलों में और विदाउट किसी वेजेस के वो फॉरेस्ट को काटे और अपने बफेलोज का यूज़ करें उन टिम्बर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। दिस वॉज नोन एज द ब्लैंडोंग डिएस्टन। इस तरीके के सिस्टम को तब वहाँ पर ब्लैंडोंग डिएस्टन कहा जाता था। जब फॉरेस्ट ड्वेलर्स से रेंट नहीं लिया जाता था और जंगलों में फ्री लेबर कराने के लिए उन्हें बफेलोज का यूज़ उनके बफेलोज का यूज़ किया जाता था टिम्बर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब जिस तरीके से जावा के जो नेटिव्स थे उन पर जिस तरीके से फॉरेस्ट एक्ट इम्पोज किया गया उनके जो रिसोर्सेस थे उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था थ्रू द डच, तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर जो नेटिव्स थे कुछ ने उसका रेजिस्ट भी किया होगा। तो जैसे इंडिया में रेजिस्ट किया था जैसे बस्तर में हुआ बिरसा मुंडा ने किया था ध्रुवा ने किया था, तो इस तरीके से इंडिया में भी इस तरीके से जावा में भी रेजिस्ट हुए प्रोटेस्ट हुए। उसमें से एक थे सैमिन। तो सुरोंटिको सैमिन ऑफ रांडुल बांटुंग विलेज अ टीक फॉरेस्ट विलेज। रांडुल ब्लांटुंग विलेज जो था एक टीक फॉरेस्ट था। क्वेश्चन द स्टेट ओनरशिप ऑफ द फॉरेस्ट एंड आर्ग्यूड दैट द स्टेट हैड नॉट क्रिएटेड द विंड वाटर अर्थ एंड वुड सो इट कुड नॉट ओन इट। जो सुरोंटिको सैमिन थे उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि जब स्टेट ने या गवर्नमेंट ने वाटर नहीं बनाया विंड नहीं बनाया फॉरेस्ट नहीं बनाया अर्थ नहीं बनाया वुड नहीं बनाया तो उस पर उनका अधिकार नहीं हो सकता। सून अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट डेवलप्ड सम ऑफ द सेमिनिस्ट प्रोटेस्टेड बाय लेइंग डाउन ऑन देयर लैंड व्हेन द डच केम टू सर्वे इट। जब डच वहाँ पर उस एरिया को सर्वे करने के लिए आ रहे थे जो सेमिनिस्ट थे मतलब जो सेमिनिस्ट के फॉलोवर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया उस जगह पर लेट गए और वहाँ पर डच को सर्वे करने से मना कर दिया। वाइल अदर रिफ्यूज टू पे टैक्सेस और फाइंस और परफॉर्म लेबर। और कुछ ने टैक्स पे करने से मना कर दिया फाइन पे करने से मना कर दिया और फ्री लेबर करने से मना कर दिया। तो इस तरीके से जावा में प्रोटेस्ट हुआ। वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन। अब हम बात करते हैं फर्स्ट वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। जब इन वॉर्स के वजह से जो डिफॉरेस्टेशन था वो बहुत ज़्यादा होने लग गया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फाउट इन 1914 टू 1918 एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज फाउट इन 1939 to 1945. In Java, just before the Japanese occupied the region, the Dutch followed a scorched earth policy, destroying sawmills and burning huge piles of giant teak logs so that they would not fall into Japanese hands. जब जापानीज ने जावा में अटैक किया तो उस वक्त जब डच को ये एहसास हुआ कि जापानीज अब उनके एरिया को अब जावा को कंट्रोल कर रहे हैं तो उन्होंने जो स्क्रॉच अर्थ पॉलिसी को अपनाया और पूरे जंगलों को जला दिया इसके अंडर में डिस्ट्रॉइंग सॉ मिल्स और जो
वुड कटर्स की जो मशीन थी उसे ख़राब कर दिया, उसे तोड़ दिया एंड बर्निंग ह्यूज पाइल्स ऑफ जाइंट टीक लॉग्स, और जो जितने भी टीक लॉग्स थे उन्हें जला दिया। सो दैट वो ऐसा इसलिए किया ताकि जापानीज़ के हैंड में, जापानीज़ के हाथों में ये सारी चीज़ें ना चले जाए, ये सारे रिसोर्सेज ना चले जाए। द जापानीज़ देन एक्सप्लॉयटेड द फॉरेस्ट, और उसके बदले में जापानीज़ ने वहाँ के फॉरेस्ट को रेकलेसली अंधाधुंध एक्सप्लॉयट कर दिया, जला दिया फॉर देयर ओन वॉर इंडस्ट्रीज़, ताकि उनके खुद की जो वॉर इंडस्ट्रीज़ हैं उसके लिए रॉ मटेरियल मिल जाए, फोर्सिंग फॉरेस्ट विलेजर्स टू कट डाउन फॉरेस्ट। आफ्टर द वॉर इट वॉज़ डिफ़िकल्ट फॉर द इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस टू गेट दिस लैंड बैक, और कुछ ने इनका साथ भी दिया ताकि वो वहाँ पर कल्टिवेशन कर सके, और इसीलिए वॉर के बाद इंडोनेशियन जो फॉरेस्ट सर्विस थी उनका खुद का अपना लैंड वापस लेना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। न्यू डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट्री, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के अगेंस्ट जो इकोनॉमिस्ट थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे, उन्होंने इसके अगेंस्ट बहुत प्रोटेस्ट किया। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ बिकम अ मोर इम्पॉर्टेंट गोल इन मैनी प्लेसेस अक्रॉस इंडिया, फ्रॉम मिजोरम टू केरला, डेंस फॉरेस्ट हैव सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज विलेजेस प्रोटेक्टेड देम इन सेक्रेट ग्रोव्स नोन एज सारनाज, देवराकुडु, कान राय एक्सेट्रा। अब हम एग्जांपल ले सकते हैं मिजोरम और केरला के फॉरेस्ट की, कि वो सर्वाइव कर सके, वो प्रोटेक्टेड रह सके, इसलिए क्योंकि वहाँ के जो विलेजर्स थे वो वहाँ पर अपने फॉरेस्ट को सैक्रेट बगीचा समझते थे, एक पवित्र बगीचा समझते थे, और इसीलिए जिसे वो लोग वहाँ पर सारनाज, देवराकुडु, कान या राय कहते थे, और इसीलिए उन्होंने उस जगह को प्रोटेक्ट किया। और साथ ही साथ कई विलेजेस में वहाँ के जो विलेजर्स थे उन्होंने टाइम टू टाइम पेट्रोलिंग की ड्यूटी लगाई, जो उनके एरिया में लोग थे, उनके विलेज में जो लोग थे, तो इस तरीके से जो फॉरेस्ट था वो कंजर्व रह सका।